अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए गोश्त, ये है अदरक जिसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसमें लहसुन भी है थोड़ा सा, ये है नमक हंसते ज़रूरत, और ये है लाल मिर्चें जिसे हमने हल्का सा इसमें लहसुन डाल के इसको ग्राइंड किया है बॉयल करने के बाद। हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा कुटा हुआ धनिया, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। ये हरी मिर्चें हम लास्ट में डालेंगे और ये टमाटर के साथ में। ये करेले हमने जो है ना इनको पहले अच्छे से नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखा था ताकि इसमें से कड़वाहट जो है इनकी निकल जाए। अब हम इन्हें ऑयल में जो है ना थोड़े से ब्राउन करेंगे, अच्छे से ब्राउन कलर आ जाएगा जिसमें इनमें से कच्चा पानी इसके निकल जाएगा। फिर इसके बाद हम इसी ऑयल में ना अलग से प्याज जो है वो ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम बाकी मसाला तैयार करेंगे। जो करेले हैं वो अपने कर लिए हैं फ्राई, अब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। थोड़े से हमने प्याज जो है पहले से फ्राई करके निकाल लिए हैं। इनका बिल्कुल हल्का लाइट सा पिंक कलर आएगा, हल्के से नरम होंगे तो हम ये निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज करेले जो है ना वो ब्राउन से हो गए हैं तो हमने ये निकाल लिया है। प्याज भी हमने बिल्कुल लाइट पिंक से हुए हैं तो थोड़े से निकाल लिए हैं। हमारे प्याज जो है लाइट से पिंक ब्राउन हो गया, अब हम ये निकाल लेते हैं। उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज और करेले जो हैं वो किए हैं ब्राउन, उसी में अब हम चिकन डालेंगे। इसमें डाल हैं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्का सा ब्राउन सा हो गया, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें टमाटर हरी मिर्च डालेंगे, अब हम इसमें बाकी अपने फ्राई मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, सफेद ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया पाउडर, नमक हंसते ज़रूरत, नमक हमें इसलिए कम डाला क्योंकि हमने पहले करेले को सुबह डाल के रखा था, नमक डाला था हमने, और ये है मिर्चें। अब हम सब सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे करेले, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें ब्राउन चीज़ प्याज डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, करने के बाद हम हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे और हल्की सी मीडियम की आँच से 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। लें जी, हमारा करेले गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, आप सभी जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।